हेलो फ्रेंड्स, कविता के गार्डन में आपका स्वागत है। हमने कुछ प्लांट्स की कटिंग जो है अभी लगा ली, क्योंकि जनवरी में फिर ठंडी की वजह से कोई प्लांट्स की कटिंग लगती नहीं है। तो फिर अगर हम अभी इसे कटिंग लगा लेंगे तो गर्मी में जल्दी से ग्रोथ करेंगी। सबसे पहले ये प्लांट, ये देखिए, ये मैंने अभी थोड़े टाइम जुलाई अगस्त में इसके कटिंग के पेड़ लगाए थे, बट उस टाइम ये लगते नहीं है कि ये गल जाते हैं। इसका टाइम यही रहता है लगाने का। तो देखिए, अभी इसको 2-4 दिन हुए हैं लगाए हुए, और इसमें देखिए अच्छी सी ये जो पत्ती निकल गई है, और नीचे भी पत्ती निकल रही है, और ये भी लग चुका है। नंबर सेकंड में आप पुदीना भी लगा सकते हैं, पुदीने की जड़ लेके। ये मैंने कुछ दिन पहले इसकी जड़ लगाई थी, देखिए छोटे छोटे और पत्ते आने इसमें स्टार्ट हो गए हैं। एक पुदीना आप लगा सकते हैं। नंबर थर्ड है, आप गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं, और गुड़हल, क्योंकि गुलाब मैंने बरसात में लगा के देखा था तो ये लगा नहीं था, तो अभी ये लग रहा है। अभी ये ग्रीन ही है जब से मैंने अभी लगाया है, 6-7 दिन से। और गुड़हल आप अभी लगा सकते हैं। फिफ्थ है बेबी सनरोज प्लांट, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बहुत सारी इसमें पूरा भरा हुआ था, सारी कटिंग्स इसकी लगा ली हैं, तो ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है इसकी कटिंग अभी लगाने से। नंबर ये है, और है आपका ये लेमन ग्रास, इसकी एक ये साइड से एक ब्रांच ले लीजिए और दूसरे में लगा लीजिए, ये भी अभी आसानी से लग जाता है। और ये है पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट अभी बहुत आसानी से लग रहा है, 6-7 दिन पहले मैंने लगाई। देखिए बेबी सनरोज प्लांट का मैंने देखी 6-7 दिन पहले लगाई हुई कटिंग, ये ग्रोथ हो गई, और उससे पहले ये लगाई है, ये देखिए ये बहुत छोटी सी कटिंग लगाई थी, इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई है। और ये पर्पल हार्ट का प्लांट अभी आप लगा सकते हैं। तो पर्पल हार्ट का देखिए, ये भी कुछ दिन पहले लगा के ये भी अच्छी सी कटिंग ग्रोथ हो गई है। और बेबी सनरोज प्लांट की 2 कटिंग्स मेरी ये बहुत अच्छी चली हैं। एक और कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, मैं देखिए एक कटिंग बहुत छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, और कितना हेल्दी प्लांट से हो गया है। सर्कुलेंट ये प्लांट आप अभी लगा सकते हैं, इसकी बस खाली है, और इसकी खाली आपको एक पत्ती ले लेनी है ऐसे तोड़ के, और ये आपने ऐसे डाल देनी है, ये ऐसा ये पत्ती ग्रोथ कर जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कुछ, देखिए, और ये देखिए इसमें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये कितनी छोटी पत्ती, और देखिए कितना अच्छा इसमें फ्लावर निकल रहा है। तो आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा प्लांट है जो दिसंबर में जिसकी कटिंग से ग्रोथ कर सकते हैं, ये है वंडरिंग ज्यू, और फिर ये है कोलियस। कोलियस के प्लांट भी हम जो है दिसंबर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कल ही लगाई हुई हैं, तो एक कुछ दिनों में आप लग के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।